नमस्ते, मैं हूं प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, टेस्ट सीरीज का एक छठा पार्ट है जिसमें हम आज भारत के विषय में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें आपको 25 से 30 प्रश्न दिए गए हैं जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं या तो पूछे जाते रहे हैं, इन फ्यूचर पूछे जाने की संभावना है। आप जानते हैं माइनस मार्किंग पेपर होता है तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं, तो ये पार्ट कहीं उसी पार्ट सेगमेंट से ही चल रहा है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए और जो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सीक्वेंस देखिए, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लगभग सबको जानते भी हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? दक्षिण और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, महासागर है? हिंद महासागर है। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है, एकदम मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार? 17%। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच जो समय है, लंदन के ग्रीनविच से जो लिया गया समय, उससे भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? बाबर की। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग की या घोषणा की, कब की थी? 1929 में। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले कृष्ण कुमार मिश्र ने दिया था। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? सरदार भगत सिंह ने दिया। भारत प्रेस काउंसिल एक है सरकारी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था, ऐसे चार ऑप्शन होते हैं, तो जिसमें अर्थ न्यायिक वैधानिक संस्था है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी कब बने थे? 1887 में। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जेबी मालवंकर। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल राज्य। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। विध सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। सेत समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। इस तरह से श्रृंखला चल रही है, छठा पार्ट है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपको हम पेपर दिखाते जाएंगे जो लगातार पूछे गए हैं। तो आप देखते रहिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।